नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। इस वक्त हाजिर हूं आपके साथ देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जब चुनाव आता है तो चुनावी सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। यूपी के बलिया जनपद के टाउन हॉल बापू भवन में सदर विधानसभा क्षेत्र की सपा की बूथ कमेटियां और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सपा कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और इस कदर आपस में भिड़े कि नेता भी हलाकान हो गए। जब काफ़ी देर तक सपा कार्यकर्ता इसी तरह भिड़े रहे तो आखिर में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को हाथ तक जोड़ना पड़ा। उन्होंने हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील की। सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और बूथ कमेटियों के सदस्य पहुंचे थे। दरअसल समाजवादी पार्टी 2019 के बीजेपी से मुकाबले के लिए खुद को मजबूत करने में जुटी है। अखिलेश यादव बीजेपी की तर्ज पर सपा को बूथ स्तर पर मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में बूथ कमेटियाँ और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उसी तर्ज पर बलिया के 7 विधानसभा में कार्यक्रम किया जा रहा था। इन सम्मेलनों में सपा के बड़े नेता कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए उपस्थित रहे। सपा बसपा से गठबंधन के ऐलान से पहले अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना चाहती है, इसीलिए जगह जगह सपा के नेताओं द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी बलिया में 2 सपा नेता अपनी वर्चस्व को लेकर उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं जब नीरज शेखर से कार्यकर्ताओं की भिड़ंत के बारे में पूछा गया तो कैसे झूठ बोलते हैं नेता, इस भिड़ंत पर आइए दिखाते हैं क्या है सच। कैमरा झूठ नहीं बोलता नेताजी। अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी और सारे नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता आज यहाँ टाउन हॉल के मैदान में उपस्थित हैं। देखा जा रहा है कि जो समाजवाद की बात की जाती है समाजवादी पार्टी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग देखे गए या इस तरह की घटनाएं देखी गई कि जैसा लग रहा है कि खेमेबाजी हो रही है या गुटबाजी हो रही है। ये जो समाजवादी पार्टी के अंदर जो प्रदेश से लेकर जो जिला स्तर तक आ रही है, कहीं ना कहीं छवि धूमिल कर रही है। आप एक कदावर नेता है तो इसको दूर करने के लिए किस तरह की रणनीति आप लोग अपना रहे हैं? कोई ऐसी घटना नहीं है। अगर 2 लड़के, नौजवान लड़के नारा लगाने में बहस हो जाती है तो उसको आप पूरी पार्टी से उसको मत जोड़िए। सारे आपने भी देखा, अभी भी सारे बड़े नेता बलिया विधानसभा के, जिले के वरिष्ठ नेता अभी भी मंच में हैं और सब में मैं जानता हूं। अब मेरे को भी इस पार्टी बहुत साल हो गए हैं और सारे वरिष्ठ नेता एकजुट होकर हम लोग एक साथ हैं और हम लोग का लक्ष्य एक ही है कि 2019 में समाजवादी पार्टी को किस तरह इस जिले में आगे बढ़ाना है और अपने नेता अखिलेश यादव जी के हाथों कैसे मजबूत करना है। इसमें कोई मतभेद नहीं है, हम लोग सब लोग एक साथ हैं और अगर कुछ विरोधी ऐसी बातें कर रहे हैं तो वो अफवाह मान के आप छोड़ दीजिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।